एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है एक्सक्लूसिव ड्राइव ऑन इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कर्ली टेल्स, और इनके चैनल का नेम भी है कर्ली टेल्स। तो आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। याद है वो दिन जिस दिन वर्ली सी लिंक लॉन्च हुआ था? नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट मुंबई में अब एक ऐसा सी ब्रिज है जो वर्ली सी लिंक से 4 times बड़ा, सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा, 2 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 20 मिनट में, और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव्स और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। सो कर्ली टेल्स हैज गॉट एन एक्सक्लूसिव व्यू टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। तो ये है इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अ 6-lane एक्सप्रेसवे दैट विल स्टार्ट एट सिवरी, क्रॉस द थाने क्रीक एंड एंड एट चिरले नियर नवशिवा इन नवी मुंबई। इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करना और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना। ये लिंक आपको फास्टर कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। दिस लिंक विल ऑल्सो प्रोवाइड फास्टर कनेक्टिविटी बिटवीन 2 ports, मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 22 kilometers में से 16.5 kilometers है ओवर द सी एंड रेस्ट ऑन लैंड, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। और इस ब्रिज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नवसेवा अटल सेतु। Well, you've got the access to the road just a few days before the launch, तो वैसे यहाँ पर गाड़ी रोकना या उतरना बिल्कुल अलाउड नहीं है। There are cameras placed at every 330 meters, so make sure you're following all the rules. There are literally no U-turns. Only in case of emergency, there are about 2 decks in this 22-kilometer stretch. But trust me, the drive on this road is going to be truly enjoyable. ये एक ऑर्थोट्रॉपिक स्टील ब्रिज है, मतलब एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर से बहुत ही एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इस डेक का स्पैन है 180 मीटर्स लॉन्ग एंड 2200 मेट्रिक टन है इसका वेट, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसमें 17 आईफिल टावर जितना री इन्फोर्समेंट स्टील और 4 हावड़ा ब्रिज जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ है। दिस इज ट्रूली अ स्टेट ऑफ द आर्ट मार्वल। Well, this road is such a joy to drive on. बहुत मजा आ रहा है। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 kilometers per hour, बट एज यू कैन सी अभी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई जगहों पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। आई थिंक जस्ट लास्ट फिनिशिंग टचेस दैट आर हैपनिंग। सिवरी हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स दैट विजिट एवरी ईयर। हर साल यहाँ तकरीबन 1.5 लाख फ्लेमिंगोज आते हैं अक्रॉस थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, सिवरी नावा एंड एडजेसेंट ज़ोन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान दिया गया है। एक तरफ आपको दिखेंगे नॉइज बैरियर्स, मतलब यहाँ की मरीन लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरी तरफ है व्यू बैरियर, दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये कुछ ही किलोमीटर तक है, आगे जाकर मुझे मिलेगा एलिफेंटा केव्स का व्यू और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। लेट्स गो। Apart from being a major step towards connectivity and development, this project will also contribute to the economic growth of the country. Just imagine the ease of travel from one airport to another, one port to another, from facilitating trade and commerce, generating employment of engineers, laborers and other skilled workers. This project is truly one of its kind. I just think people living in central Mumbai can now go for more weekend getaways. इम्पॉर्टेंट टू नोट कि सिवरी एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है,
जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट अंडरसी डेक को भी फ्लेमिंगोस के कलर से मैच किया गया है। ब्रिज पर सिर्फ 2 रेस्क्यू बेस बनाए गए हैं, पर यहाँ होंगे पुलिस स्टेशन और हर 5 किलोमीटर में क्रॉसओवर, जो सिर्फ इमरजेंसीज में ही यूज किए जाएंगे। And honestly speaking, the view is spectacular. I mean, I've never seen this skyline of Mumbai ever before. And also on the other side, बहुत ही सुंदर, बस आप समंदर से घिरे हुए हो। This is such a joy. तो यही है वो टोल नाका दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नवी मुंबई से आप जैसे ही एंटर करते हैं ऑन MTHL, यू विल सी इट देयर। एंड कैन आई टेल यू समथिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इंडिया में होगा ओपन रोड टोलिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि गाड़ियों को यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा। इन अ मूविंग कार योर टोल विल बी कलेक्टेड बिकॉज योर व्हीकल नंबर विल बी लिंक्ड फॉर टोल कलेक्शन। ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी फास्ट टैग एज वेल, देयर आर गोइंग टू बी बैरियर्स फॉर दोज ऑफ यू हु ब्रेक रूल्स, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन हियर बिकॉज This is a way forward in digitization as well as modern India. Hamara travel time to kam hua hi hai aur saath hi mein aapka toll pay waiting time bhi kam ho raha hai. Aur mujh jaise foodies ke liye there are food plazas on the other side of this toll naka. So let's go. The food plaza was still getting ready on our last visit, but jab bhi ready hoga aapko yahan sari amenities milengi. ये ब्रिज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया का एक मेजर सिंबल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन और स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज की मेहनत का नतीजा। Well, I'll be honest, I feel very proud as an Indian to see this kind of infrastructure happening in our country. हमारे भारत में इतना कुछ अच्छा हो रहा है और इतनी तेज रफ्तार में हो रहा है। I can't wait to see what the future of road travel really looks like. So, जैसे ये रोड लॉन्च होता है आप लोग आइए, बट रिमेंबर टू फॉलो ऑल द रूल्स सो दैट वी गेट मोर ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी काम्या जानी साइनिंग ऑफ, बाय। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और ट्रांस हार्बर लिंक जो ये ब्रिज है, मतलब क्या बात है यार, 2 घंटे का जो रास्ता है वो सिर्फ 20 मिनट में। और ये हमने जो है ना, जब इसकी आई थिंक कोई मंजूरी वगैरह इस तरह से हुई थी, तब भी हमने इसके ऊपर रिएक्शन किया था, इस वाले ब्रिज के ऊपर। और हमने तब भी बोला था कि यार वाकई इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब कि आपके वो होता है ना कि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी इतनी ज्यादा, जाहिर सी बातें होगी। और जो बाकी जो मेन रोड्स होती हैं, जैसे मुंबई से नवी मुंबई में जाते हुए पता नहीं कितने घंटे लगते हैं, और फिर वही बात के ट्रैफिक की वजह से जितना सफर होगा वो डबल में कन्वर्ट हो जाता होगा, क्योंकि इतनी ट्रैफिक हो, फिर अगर कोई पेशेंट जा रहा है या अगर किसी को जल्दी किसी जगह पे पहुंचना है तो मतलब कि वो फिर टाइम से लेट ही पहुंचेगा। ये हमने अक्सर व्लॉग्स में भी देखा है, अक्सर वीडियोस में भी देखा है कि बहुत लेट हो जाती है लोगों को निकलते। इवन पाकिस्तान का ये हाल है, हालांकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन रोड्स जो है ना वो ब्लॉक हुई होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये एक वो कहते हैं ना एक बीच का रास्ता जो है, ये बहुत ही जबरदस्त है भाई, कि आपके जो है वो टाइम को बचाता है। और जो जो चीजें यहाँ पर यूज हुई हुई, इतनी मतलब इतनी हाई जो चीजें यूज हुई हुई हैं यहाँ पर, जो कि पहले मतलब दुनिया का लंबा यार ये ब्रिज है, बिल्कुल लॉन्गेस्ट ब्रिज है दुनिया का। और आईफल टावर में जो चीजें यूज हुई हुई हैं वो यहाँ पर यूज की गई हैं। तो मतलब कि वाकई एक ब्रिज को बनाना मेरे ख्याल से एक रोड से ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसको खड़ा करना होता है आपको। और फिर वही बात के ब्रिज की जो डेप्थ है वो पानी के अंदर है, ये बहुत है, बहुत ये बड़ी बात है कि उसमें ऐसा मटेरियल यूज करना। और मुझे लगता है कि वो कॉमन मटेरियल से ज्यादा वो जो है ना एक्सपेंसिव होता होगा, क्योंकि उसमें एक स्पेशल किस्म का मटेरियल जो है ना वो यूज होता होगा। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा जितनी इन्होंने खुसूसियात बताई, स्पेशली जो टोल टैक्स वाली, मुझे भी याद आ रहा था कि मतलब स्पेशल रुकना पड़ता है, और फिर अगर उनके पास छुट्टा नहीं है तो वो इतना टाइम लगाते हैं छुट्टा जो है वो वापस करने में। तो वाकई ये बड़ी अच्छी बात है, अगर तो आपने पहले से छुट्टा रखा हुआ तो वो आपके लिए फायदा है, वरना फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि भाई इसको भी डिजिटलाइज कर दिया भाई, तो भाई इंडिया वो तो हमें पहले ही पता है कि 2030 में पूरा डिजिटलाइज हो ही जाना है। और इवन के मतलब हर जगह पर आपको QR कोड वगैरह मिल रहे हैं, और अब ये आपको सफर के दौरान भी आपका टाइम जो है ना वो बचाने के लिए इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, इस ब्रिज को देख के ना मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि मैं भी जो है ना इसके ऊपर ड्राइव करूं, क्योंकि बिल्कुल एक स्मूथ स्मूथ है ना, और
कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ रहा, कोई यू टर्न नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, बस आपने जो, अगर जो लोग जो है वो लॉन्ग ड्राइव के शौकीन है ना, मेरे ख्याल से उनको इस ब्रिज के ऊपर चले जाना चाहिए। और एक तरफ जैसे वो व्यू दिखा रही थी, एक तरफ समंदर का था और साथ मेरे ख्याल से सनसेट हो रहा था, तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था। ये तो वहां पे मौजूद थी और कह रही थी कि वहां का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हमें वीडियो में इतना अच्छा लग रहा था, अगर वहां पे बंदा मौजूद हो तो फिर तो उसकी और क्या बात है। तो बहुत ही खूबसूरत था और मुझे भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी बात लगी टूर टैक्स की। और दूसरा ये कि वो जो उन्होंने खाने का बताया था कि यहाँ पे फूडीज के लिए भी है, और अगर आप रुकना चाहते हो बीच में कुछ खाने के लिए तो वो आपको भी है, फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, यहाँ से मुझे ना एक बात याद आई, अभी एक दो दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, अक्षय की ना, वो ट्रेन में सफर कर रहा था, लोकल ट्रेन में थी, और वो कह रहा था कि उसने कहीं पे जा रहा था शायद शूटिंग के लिए ना, 3 to 4 hours लग रहे थे उसको रोड से, लेकिन उस ट्रेन में उसको मेरे ख्याल से वो कह रहा था कि सिर्फ 30 minutes लगे हैं। हाँ, वो ट्रेन में उसकी मैंने, उसने स्पेशल की वीडियो बनाई थी, वो कह रहा था कि मुझे इतना ज्यादा डिस्टेंस लगना था बाय रोड, लेकिन ट्रेन में कहता 30 minutes। और हमने ये देखा भी है कि इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन्स भी हैं, तो इसका वाकई सारा क्रेडिट जो है वो मोदी जी को जाता है, वो वाकई अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और उन्होंने ट्रेन के साथ रोड्स को भी देखो कितना ज्यादा कर दिया है कि लोगों को इतना ज्यादा मुश्किल ना बनना। वाकई हमारे यहाँ यहाँ जैसे जीटी रोड और मोटरवे है, अगर आप जीटी रोड से सफर करो ना तो आपका टाइम वो ज्यादा लगता है, क्योंकि बीच में सिटीज वगैरह भी आती हैं और ट्रैफिक होता है, लेकिन अगर मोटरवे से करो तो आपका टाइम बचता है। तो ये भी इसी तरह मतलब एक सिटी से हटके है कि अगर लोग जो है वो नवी मुंबई तक जाना चाह रहे हैं तो वो इजिली जो है वो जा सकते हैं बगैर किसी रुकावट के, तो बहुत अच्छी चीज है। तो हमारी तो सारी बेस्ट विशेज जो है वो इंडिया के साथ है और मोदी जी के साथ है, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो प्लान करके रखे हैं और इंडिया को वाकई एक डेवलपमेंट कंट्री जो है वो बना रहे हैं, तो वाकई इंडिया जो है वो किसी से पीछे नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात याद आई है, मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर जो है ना बाइक्स वगैरह की इजाजत नहीं है यहाँ पर। हाँ, हमने देखा भी नहीं ना, बाइकों में बाइक नहीं थी अभी तो बाइक है वो स्टार्ट नहीं ना हुई, लेकिन फिर भी कहते नहीं है इजाजत। मेरे ख्याल से वो इसलिए कि बाइक अगर तुमने नोट किया होगा कि कहीं से भी जगह बनाकर ना वो निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं, तो ये बहुत बेस्ट चीज है। मतलब अगर तो यहाँ पे बाइक्स की इजाजत मिल जाए ना तो फिर वो कितने वो कहते ना वो करने वाले हो जाएगा ना, स्केटिंग करने वाले क्या क्या लोग जो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इतनी स्मूथ रोड है और इतना मजे का, तो फिर बाइक्स वगैरह भी सारी इधर घुसना शुरू हो जाए, फिर जिस मकसद के लिए ये बना हुआ है ना वो मकसद कहीं ना कहीं छुप जाएगा। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि बाइक्स वगैरह यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कैमरे भी हैं, एक स्पीड लिमिट होगी कि आपने स्पीड लिमिट में रहकर जो है वो गाड़ी ड्राइव करनी है, तो कोई भी जो है वो ओवर स्पीड नहीं कर सकता, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। सो खैर, ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।